जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजिबिलिटी रूल यानी कि भाज्यता का नियम, कि भाज्यता का नियम क्या होता है इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। हालांकि आप लोगों को पता होगा कि 2 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 का क्या होता है, 4 का क्या होता है, ये सभी आप लोग को पता है। तो कुछ आप लोग इस वीडियो में नया भी सीखने को मिलेगा। चलिए हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे 2 का डिजिबिलिटी रूल। 2 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है? डिजिबिलिटी रूल जानने से पहले अगर मैं आपको ये बताऊं कि कोई किसी भी नंबर को एक्सटेंडर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अगर वह 2 डिजिट के नंबर है, मैंने कहा कि अगर वह 2 डिजिट का नंबर है, कितना डिजिट के नंबर है दोस्तों, तो 2 डिजिट के नंबर, मैंने कहा एक मैंने लिया 24, ये 2 डिजिट का नंबर है, क्या इससे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 10 × 2 + 4। या मैंने कहा 26 एक 2 डिजिट का नंबर है, क्या इससे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 10 × 2 + 6, कोई दिक्कत? तो यदि मुझे 2 डिजिट का एक्सटेंडर फॉर्म चाहिए तो हम लोग कैसे लिखेंगे, मैंने कहा कि ए बी एक 2 डिजिट का नंबर है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 10a + b। कैसे लिखेंगे 10a + b, क्या मैं लिख सकता हूं बताइए, लिख सकते हैं, है ना। अगर आपको ए बी सी 3 डिजिट का नंबर है तो एक्सटेंडर फॉर्म कैसे लिखेंगे 100a + 10b + c। अगर आपको 4 डिजिट का नंबर लिखना है, 4 डिजिट का नंबर, मैंने कहा कि 2 डिजिट का नंबर ऐसे लिख सकते हैं, 3 डिजिट का नंबर है इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या 4 डिजिट का नंबर ऐसे लिख नहीं ले सकते बताइए, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, बोलोगे कि हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 4 डिजिट का। वैसे हम लोग 5 डिजिट के भी लिख सकते हैं, 6 डिजिट का भी नंबर लिख सकते हैं, है ना। तो इस फॉर्म में हम लोग किसी भी डिजिट का नंबर को एक्सटेंडर फॉर्म में लिख सकते हैं, 100 का फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडर फॉर्म। तो एक्सटेंडर फॉर्म में ये डिजिट के हम लोग लिख सकते हैं, है ना, ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इसे समझाने से पहले मैं एक चीज और बात करना चाहता हूं कि अगर किसी भी नंबर को आपको डिवाइड करना है, मैंने कहा कि 24 + 10 को डिवाइड करना है 4 से, तो आप कैसे डिवाइड करोगे, 4 से नहीं, मैं लिख लो 2 से डिवाइड करना है, तो आप कैसे डिवाइड करोगे, दोनों को ऐड करोगे, 24 + 10 = 34 बाई कितना 2, डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 70, ठीक है। ये आप लोग ऐसे ऐड करके डिवाइड करना जानता है, लेकिन क्या मैं ऐसे इसको डिवाइड नहीं कर सकता बताइए, मैं इसे ऐसे डिवाइड नहीं कर सकता, मैंने इसको कट कर दिया, कितना टाइम्स में लग जाएगा 12 टाइम्स में, इसे कट किया 15 टाइम्स में लग गया, तो कितना हो गया 12 + 5 = 17 आ गया कि नहीं, ऐसे भी डिवाइड किए थे इस टाइप का भी तो 17 ही आया था, ऐसे डिवाइड किए तो ऊपर भी कितना आ गया 17 ही आया, समझ रहे हैं कि नहीं, है ना। अगर मैं ऐसे बोलूं आपसे कि अगर आपको 32 + 16 को डिवाइड देना है 4 से, तो आप ऐसे डिवाइड कर लो, सिंपल ऐसे डिवाइड कर लो, 8 टाइम्स में लग जाएगा, 4 टाइम्स में लग जाएगा, दोनों डिजिट के दोनों डिवाइड करें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ गया कि नहीं। या ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐड करके भी डिवाइड करते हैं हम लोग, ऐड करके डिवाइड, आप लोग बचपन से पढ़े हैं ये दोनों क्या करना ऐड करना है, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, डिवाइड करोगे 4 से कितना टाइम्स लग जाएगा 12 टाइम्स में, 12 × 4 = 48, है ना। तो ये ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, ये स्टेप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मुझे 2 का डिजिबिलिटी रूल पढ़ाने से पहले मैं एक स्टेप समझा दिया, 2 चीज मैंने समझा दिया, एक मैंने समझा दिया नंबर को एक्सटेंडर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट डाउन एक्सटेंडर फॉर्म ऑफ नंबर, एंड सेकंड मैंने समझा दिया कि डिवाइड कैसे डायरेक्टली डिवाइड कैसे कर सकते हैं विदाउट गुना किए, विदाउट ऐड किए हुए, विदाउट सबट्रैक्ट किए हुए, मैं डायरेक्टली भी गुना कर सकता हूं, ठीक है, डिवाइड कर सकता हूं। चलिए अब मैं पढ़ता हूं 2 का, हम लोग जानेंगे कि 2 का रूल, कि 2 का डिजिबिलिटी रूल
क्या होता है, दो का भाजकता का नियम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। हालांकि आप लोग जानते ही होंगे कि टू का जो डिजिबिलिटी रूल जो होता है वह जीरो वन टू सॉरी वन नहीं होता है, जीरो टू फोर सिक्स एट, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट हो, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, जीरो दो चार छ आठ। अगर ये लास्ट डिजिट किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो दो चार छ आठ रहेगा तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो नंबर होगा वो कंप्लीट टू से डिविजिबल होगा। जैसे मैं कोई नंबर लिखा ए बी सी डी, यहां लिख दिया लास्ट में टू, और मुझे किससे डिवाइड करना है, टू से, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसका जो रिमाइंडर जो बचेगा वो जीरो बचेगा, क्यों, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है, दो है, तो दो है तो क्या ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा कि नहीं, क्या ये कंप्लीट डिविजिबल होगा कि नहीं, बोलोगे कि यस होगा। आगे कुछ भी हो, वन ए के जगह पे कोई भी डिजिट हो, बी के जगह पे कोई भी डिजिट हो, मुझे नहीं पता, सी के जगह पे कोई भी हो, कुछ भी हो सकता है, मुझे बस लास्ट का डिजिट देखना है कि अगर ये टू है तो टू से कंप्लीट डिविजिबल होगा। हालांकि आप लोगों को पता होगा कि जो डिजिट तो टोटल होते हैं वो डिजिट कितने होते हैं, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, ये टोटल क्या है, डिजिट होता है, और इसी से पूरा नंबर का फॉर्मेशन हुआ है। तो ए बी सी डी की जगह पे इसी में से कोई ना कोई नंबर रहेगा, इसी में से कोई ना कोई डिजिट रहेगा, है कि नहीं। तो अगर ये नंबर ए बी सी डी लास्ट डिजिट अगर टू हो, है ना, आप लोग टू ही क्यों है, कुछ भी हो सकता है, फोर भी हो जाएगा, तो टू से कंप्लीट इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, जीरो रहेगा। ए बी सी डी जीरो भी लास्ट में रहेगा, टू से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा, जीरो बचेगा, है ना। ए बी सी डी लास्ट में एट भी रहेगा, टू से डिविजन करेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा, जीरो बचेगा। ये आपको पता है, मैं जानते हैं कि ये सभी आप लोग को पता होता है ना। लेकिन क्या अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लास्ट का टू डिजिट, लास्ट का जीरो दो चार छ आठ ही हम लोग क्यों देखते हैं, इसका मेन रीजन क्या है, तो रीजन जानने के लिए, है ना, इस वीडियो को देखें, लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। तो चलिए पता करते हैं हम लोग कि टू का रूल्स होते हैं वो किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट जीरो दो चार छ आठ ही हम लोग क्यों देखेंगे, है ना। मेरा इस वीडियो लाने का मकसद ये नहीं था कि आपको ये सिखा के चले जाए कि टू का रूल में किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो दो चार छ आठ रहेगा तो उससे हम लोग टू से डिविजिबल होगा। ये आप लोग जानते हैं, बचपन से जानते हैं, जो जानते हैं उससे मुझे नहीं सिखाना है, जो नहीं जानते हैं उसके बारे में मुझे बताना है, है ना। आपको ये पता है, ठीक है, है ना। लेकिन ये मैं जीरो क्यों देखूंगा, रीजन है कि नहीं, मैं टू ही क्यों देखूंगा। कोई अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दिया जाए, कोई बच्चा आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप टीचर हैं स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपसे बच्चा कोई पूछ दिया, है ना, आपने पढ़ाया कि टू का रूल होता है किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो दो चार छह आठ देखेंगे लास्ट डिजिट तो टू से डिविजिबल होगा। लेकिन आपसे कोई बच्चा क्वेश्चन कर दिया जाए, क्वेश्चन कर दे कि सर मैं ये नंबर का लास्ट डिजिट टू फोर क्यों देखूंगा, मैं नंबर का, है ना, लास्ट डिजिट सिक्स क्यों देखूंगा, जीरो क्यों देखेंगे, टू क्यों देखेंगे, एट क्यों दिखाऊंगा, इसका रीजन है। सबका कोई ना कोई रीजन होता है, ये ऐसी नहीं आ गया है रूल, रूल नहीं, रूल कहीं ना कहीं से आया है, इसका प्रूफमेंट है, थ्योरी है। तो आप लोगों को मैं आज ही मैं प्रूफ करूंगा कि जीरो दो चार छह आठ हम किसी, है ना, टू का डिजिट रूल में क्यों देखेंगे। चलिए, है ना, अगर मैंने कहा कोई नंबर मैंने कंसिडर किया, मैंने कोई नंबर एक कंसिडर कर लेता हूं, ठीक है, मैंने कोई नंबर कंसिडर किया ए बी सी डी, ए नंबर है, इसे मुझे टू से डिवाइड करना है, ठीक है, कुछ भी नंबर हो सकता है, डी का जहां पे कोई भी डिजिट, आपके पास जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तक डिजिट है, आप ए बी सी डी के जगह पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन मुझे डिवाइड करना है, है ना। अभी जस्ट मैंने इसे पीछे ही बताया, इस नंबर को एक्सटेंडर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस नंबर का व्यापक रूप में कैसे लिखा जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पीछे से लिखते हैं, ए प्लस
एट कितने डिजिट पे है, एक कितने प्लस पे है, 10th प्लस पे है, दहाई अंक है तो 10B लिखेंगे, प्लस ए 100 प्लस पे है तो क्या लिखेंगे, 100C लिखेंगे, ए कितना प्लस पे है तो 1000 प्लस पे, तो 1000D लिखेंगे। अब ए नंबर को मुझे क्या करना है, 2 से डिवाइड करेंगे, बताइए है ना। अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो क्या ए रिमाइंडर 0 बचेगा क्या, बताइए क्या, अगर मैं 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या ए 0 बचेगा क्या, यदि मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो क्या ए 0 बचेगा क्या, तो मेरे पास बच क्या क्या, लास्ट अंक बच गया ए। अब डिपेंड करता है ए पे, मेरे पास लास्ट डिजिट क्या बचा है, ए बचा है, ये क्या है, नंबर का लास्ट का डिजिट है, ये लास्ट डिजिट अगर मैं देखता हूं है ना, इसलिए हम लोग ए, अगर एक क्या है, एक लास्ट डिजिट है तो हम क्या देखेंगे, लास्ट डिजिट देखेंगे। एक जगह पे कुछ भी हो सकता है, ए इज इक्वल टू 0 भी होगा, ए इज इक्वल टू 1 होगा, ए इज इक्वल टू 3 होगा, ए इज इक्वल टू 4 होगा, ए इज इक्वल टू 5 होगा, ए इज इक्वल टू 6 7 8 9, क्या इससे भी ज्यादा कोई डिजिट होता है, इससे ज्यादा कोई डिजिट आएगा एक डिजिट पे। अगर ए नंबर का लास्ट यानी कि यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट जो है ए है, तो क्या यूनिट डिजिट की जगह पे क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे ज्यादा कोई डिजिट आज तक बना ही नहीं है, इससे ज्यादा कोई डिजिट आएगा ही नहीं, जब भी आएगा तो इसी 9 इसी 10 डिजिट में से कोई ना कोई डिजिट आएगा। तो बात यह पर होती है कि अगर मैं किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 1 देखूंगा, 1 क्या 2 से डिविजिबल होता है, बोलोगे कि नहीं, 1 भी 2 से डिविजिबल नहीं होता है। अगर a इज इक्वल टू लास्ट डिजिट 3 आएगा तो क्या 3 2 से डिविजिबल होता है, बोलोगे कि नहीं होता है। अगर मैं बोलूं कि 5 है, 5 2 से डिविजिबल होगा, आप बोलोगे कि 5 2 से डिविजिबल नहीं होता है। मैंने कहा कि 7 क्या 2 से डिविजिबल होगा, बोलोगे कि 7 2 से डिविजिबल नहीं होता है, और 9 तो ऐसे भी नहीं होता है। तो आपके पास क्या क्या बच गए, आपका बच गया 0, क्या बच गया 2, क्या बच गया 4, क्या बच गया 6, और क्या बच गया 8, यानी कि a इज इक्वल टू या तो 0 होगा लास्ट में, या 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा, तो वो नंबर्स होंगे वो 2 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं। इसलिए हम लोग 2 का डिविजिबिलिटी रूल में 0 का देख, 0 देखते हैं लास्ट डिजिट, 2 देखते हैं, 4 देखते हैं, 6 देखते हैं, 8 देखते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग यहां जब डिवाइड करते हैं तो a बाई 2 सारा आगे पीछे क्या होती है, आगे कट जाती है, बाकी लास्ट में हम लोग क्या बचता है, एक यूनिट डिजिट ही बचता है। तो यूनिट डिजिट बचता है, इसलिए हम लोग यूनिट डिजिट को ही देखते हैं, और यूनिट डिजिट में कभी भी 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, चलिए अब हम लोग बात करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैंने 3 2 4 5 6, अब मुझे 2 से डिवाइड करना है, बस लास्ट डिजिट देखेंगे कि लास्ट डिजिट कितना है, 6 है, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0। मैंने कोई नंबर लिया 3 2 5 6 7 इज इक्वल टू 2, मुझे लास्ट डिजिट देखना है, क्या लास्ट डिजिट 7 है, 7 कभी 2 से कटता है, नहीं, इसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा, ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ए नंबर जो है वो 2 से कंप्लीट डिविजिबल है। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत है ना, समझ में आ गया। चलिए इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग मैं एक वीडियो डाला था जो चैनल के नाम है फन विथ स्टडी, यही वीडियो उसी पर जाएगा, फन विथ स्टडी पे। उन्होंने भी कुछ, हमारे फ्रेंड्स जो देखे थे वीडियो, उन्होंने कुछ कमेंट किए थे, तो मैं उनका कमेंट आज पढ़ता हूं। सो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा इस वीडियो को भी, और मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा है ना। फर्स्ट कमेंट किए थे हमारे बहुत अच्छे करीबी दोस्त हैं कुमार गौरव, है ना, गौरव जी बोल रहे हैं अल्लाह हबीबी, है ना गौरव जी, सलाम, अल्लाह हबीबी, है ना, आपको भी अल्लाह हबीबी।
उसके बाद विराट कुमार है, उन्होंने बताए, उन्होंने लिखे हैं गुड जॉब सर, है ना, थैंक यू सो मच विराट कुमार। एक हमारे बहुत ही करीबी दोस्त अमित कुमार है, है ना, मैं उनको पहचानता हूँ अमित कुमार को। अमित कुमार है, बोल रहे हैं गुड ब्लेस यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच अमित सर। मुकेश है, ये हमारे माननीय फ्रेंड मुकेश जी, है ना, आपका कृपा है कि आज मेरा सब्सक्राइबर 100+ हो गया है ना मुकेश जी, प्लीज आप सपोर्ट करते रहिए, जितना फ्रेंड मेरे हैं प्लीज सपोर्ट करते रहिएगा, है ना। और एक मेरे अनुपमा यादव है, जिन्होंने काफी फनी कमेंट किए हैं, इन्होंने बोले हैं, है ना, माशा अल्लाह क्या आप बोलती, अगर हमारा कुवैत में होती तो आप बहुत पैसा कमाती। अनुपमा यादव जी, अगर मेरा वीडियो आप देखते हैं, है ना, तो जरूर आपके, है ना, आपके कुवैत में आती और मैं जरूर वीडियो बनाती, ट्यूशन हम दोनों वहीं खोलती और जरूर आपसे पैसा कमाती। उस वीडियो में आएंगे, ठीक है, जरूर आएंगे आपके कुवैत में और पैसा कमाती, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अनुपमा यादव जी, ठीक है, है ना। तो प्लीज आप लोग भी कमेंट कीजिए और आपका मैं कमेंट जरूर पढ़ूंगा। नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो भी कमेंट करेंगे इस वीडियो पे तो उनका कमेंट में जरूर पढ़ेंगे, है ना। चलिए, अगर ये समझ में आ गया है तो ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी का डिजिबिलिटी रूल। थ्योरी का डिजिबिलिटी रूल पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फोर का डिजिबिलिटी रूल, ठीक है। फोर का डिजिबिलिटी रूल में हम लोग जानेंगे कि फोर का डिजिबिलिटी रूल क्या होते हैं। चलिए, फोर का रूल हम लोग पढ़ते हैं, फोर का डिजिबिलिटी रूल। फोर का डिजिबिलिटी रूल में किसी भी नंबर के लास्ट का हम लोग टू डिजिट देखते हैं। किसी भी नंबर का लास्ट का टू डिजिट्स अगर वह फोर से डिविजिबल है तो नंबर ऑलवेज फोर से डिविजिबल होगा। किसी भी नंबर का लास्ट का टू डिजिट हम लोग को देखना है, अगर वह फोर से डिविजिबल है तो नंबर ऑलवेज फोर से डिविजिबल होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, कोई क्वेश्चन लिए 2316, मैंने लिखा फोर से डिविजिबल है कि नहीं, मैंने लास्ट का टू डिजिट देखना है 16 भाई क्या हो जाएगा 4, ये 4 से डिविजिबल है, बोले कि यस, क्योंकि 16 4 से डिविजिबल होता है, कट कर देंगे। मैंने कितने कोई नंबर लिया 3, मैंने लिया 2864, मैंने 4 से डिवाइड करना है, मैं बोलूंगा कि 4 से कंप्लीट डिविजिबल है, रिमाइंडर इसका क्या बचेगा 0। मैंने कोई नंबर लिया, कुछ भी नंबर हो जाए, ए बी सी डी ई एफ, लास्ट का टू डिजिट अगर वह 4 से डिविजिबल है तो वो 4 से डिविजिबल होगा नंबर। यहां कितना है 17/4 है, क्या 4 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन ये होती है, क्वेश्चन हम लोग ये करते हैं कि हम लास्ट का टू डिजिट ही 4 से डिविजिबल क्यों देखेंगे, पूरा नंबर ही क्यों नहीं चेक कर लेंगे। लास्ट का इसके पिछले वाला बताएं, है ना, कि लास्ट का वन डिजिट जो 0 वाला हम लोग देखें, 2 वाला देखें, है ना, कि लास्ट का डिजिट 0 2 4 6 8 रहता है तो 2 से डिजिटल होता है, ठीक है। लेकिन इसके लास्ट का 4 डिजिट ही हम लोग क्यों देखेंगे कि 2 का डिविजिबल होगा, सॉरी 4 से डिविजिबल होगा अगर लास्ट का 2 डिजिट होगा तो। इसका भी रीजन है, कुछ ना कुछ सबका रीजन होता है, सबका बनाने का, सब जो है ना एक थ्योरी के थ्रू ही आया है, ऐसा नहीं है हम लोग जो रूल बताते रहते हैं वो रूल कहीं ना कहीं से प्रूफ होकर आया है, है ना। तो आज मैं आप लोग को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि अगला बार अगर आपको भी कहीं पढ़ाने का मौका मिले, अगर आप भी कभी पढ़ाए क्वेश्चन कोई स्टूडेंट कर दे तो जरूर आप ऐसे बताइएगा, ठीक है। देखिए, अगर मैं कोई नंबर लेता हूं, एग्जाम्पल मैंने कहा कि नंबर जो है वह ए बी सी डी, मुझे 4 से डिविजिबल करना है, बताइए तो क्या मैं लिख सकता हूं, वैसे ए प्लस बी को लिख सकता हूं मैं 100 बी, ये मैं पहले बता चुका हूं कैसे लिखा जाता है, ठीक है, 10 बी 100 सी प्लस 1000 डी भाई कितना हो जाएगा 4, ठीक है, है ना। तो
सॉरी ये थाउजेंड है, छूट गया था एक, है ना। मुझे बताइए अगर मैं फोर से डिवाइड करूंगा तो क्या जीरो बचेगा क्या? फोर से डिवाइड करेंगे तो क्या ये जीरो जो है ये भी जीरो बचेगा क्या? तो मेरे पास लास्ट का क्या बच गया, टेन बी प्लस ए वाई फोर बच गया। बताइए लास्ट में क्या बच गया, टेन बी प्लस ए वाई फोर बच गया। क्या मैं टेन बी प्लस ए को बी ए बाई फोर लिख सकते हैं क्या? बोलो कैसे लिखेंगे हम, क्योंकि b क्या है, टू डिजिट का नंबर है, जो बी ए जो है वो टू डिजिट का नंबर है। अब मैंने फर्स्ट में बताया कि टू डिजिट का नंबर को मैं कैसे एक्सटेंडर फॉर्म में लिखूंगा, तो 10 इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू 10 बी प्लस ए, ये मैं पहला स्टार्टिंग ही बताया था, है ना। अब क्या बी ए आ गया फोर से, अब जो भी ये बी ए यानी कि लास्ट का बी ए क्या है, ये नंबर का डी सी बी ए बाई क्या है फोर, लास्ट का बी ए क्या है, क्या लास्ट का ये टू डिजिट है क्या? बोलो लास्ट का ये टू डिजिट है क्या? बोलो है ना, ये लास्ट का टू ही डिजिट है, बी ए जो है लास्ट का टू डिजिट है। अब डिपेंड करता है ए बी और ए पे डिपेंड करता है कि आप बी और ए क्या रखोगे कि लास्ट का टू डिजिट, क्या रखेंगे कि फोर से डिविजल हो जाएगा। अगर बी इज इक्वल टू वन रखें, ए इज इक्वल टू रखें, क्या फोर से डिविजल है? ब्लॉक यस। मैंने कोई लास्ट में रखा थ्री रखा, ए इज इक्वल टू वन रखे, क्या फोर से डिविजल है? ब्लॉक कि नो, नहीं कटेगा फोर से, है ना। इसलिए हम लोग ये लास्ट का टू डिजिट पे ही नंबर डिपेंड करता है, क्योंकि आगे का सारा नंबर तो कट जाता है ना, आगे का सारा क्या होते हैं कट जाता है, बाकी लास्ट का ये टू डिजिट पे ही डिपेंड करता है कोई नंबर कि फोर का डिविजिबल है कि नहीं। इसलिए हम लोग इस रूल को जानते हैं कि लास्ट का अगर दो डिजिट फोर से डिविजिबल है तो वो नंबर फोर से ऑलवेज डिविजिबल होगा। आया समझ में, यहां तक समझ में आया कि नहीं? तो मैंने एग्जांपल लिया थ्री टू सिक्स फोर, भाई मैंने लिखा फोर, क्या लास्ट का टू डिजिट फोर से डिविजिबल है कि नहीं? बोलो कि यस, ये भी डिवाइड हो जाएगा फोर से, है ना। मैंने सिक्स टू कुछ भी नंबर आप रख लो ना, कुछ भी नंबर रख लो, ठीक है ना, रख लिया जीरो, कुछ भी नंबर रख लो, क्या ये फोर से डिविजिबल है कि नहीं? लास्ट का टू डिजिट क्या है, साठ है, यस फोर से डिविजिबल होगा, है ना। अब कितना भी बड़ा भी नंबर रख लो, लास्ट का टू डिजिट देखेंगे हम। हालांकि मुझे जानते हैं हम कि आपको ये सब चीज पता होगा, ये सारी चीज पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि लास्ट का दो डिजिट हम क्यों देखेंगे। मैं इसीलिए वीडियो बनाया हूं कि लास्ट का ये दो डिजिट हम क्यों देखेंगे, है ना। बच्चों को पढ़ा देते हैं कि लास्ट का दो डिजिट होगा, अगर फोर से डिविजिबल है तो नंबर फोर से डिविजिबल होगा, लेकिन क्यों लास्ट का देखेंगे दो डिजिट, इसका रीजन क्या है, बच्चे को बता पाते हैं? इसलिए आप लोग को मैं ए, मेरा वीडियो लाने का मकसद ये था कि मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊं कि लास्ट का टू डिजिट फोर के लिए किसी भी नंबर का लास्ट का टू डिजिट देखते हैं, या मैं थ्री का देखता हूं, किसी भी थ्री में क्या होता है कि है ना, डिजिट का हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय थ्री इज ऑलवेज नॉट डिविजिबल बाय थ्री, क्यों भाई क्यों देखेंगे, इसका रीजन क्या है, वो मैं अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि थ्री का डिजिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट ऐसा क्यों करेंगे, सेवन का क्या होगा, एट का क्या होगा, फिर इक्का दिक्का क्या होता है, ये सारे चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो काफी लॉन्ग हो जाती है, इसलिए आज का वीडियो इतना ही तक स्टॉप करते हैं, है ना, रोकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।